आगे बढ़ते हैं। शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में पंजाब मामलों के इंचार्ज शकील अहमद और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल की अध्यक्ष सुरजीत कौर बरनाला ने पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। तकरीबन तीन दशक तक अकाली दल के साथ जुड़ाव के बाद और अकाली दल की अगुवाई करने वाले सुरजीत सिंह बरनाला की पार्टी शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में विलय हो गया। पार्टी अध्यक्ष सुरजीत कौर बरनाला और गगनजीत सिंह बरनाला ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बरनाला परिवार के मुताबिक सीटों को लेकर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, बस पंजाब को बचाने का फैसला किया है, क्योंकि कैप्टन साहब एक ऐसी शख्सियत ने जिन्होंने पंजाब का पहला बहुत सेवा की है, हूँ भी आस करते हैं कि इस तरीके नाले उते सेवा करेंगे और सानू आस भी है, तो इस करके असं इस पार्टी इन्हों नाल आए हैं। श्रोमणी अकाली दल लौंगोवाल ना जुड़ गया, इन्हों कारण करके जुड़े है। ये फैसला साढ़े लिए कोई सौखा फैसला नहीं सी, पर सानू लेना पिया फॉर द बैटरमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब नू जे असी बचाउणा है तां केवल महाराजा साहब बचा सकदे। कांग्रेस नेताओं ने बरनाला परिवार और उनके समर्थकों का स्वागत किया, दावा किया कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। सो इट्स अ वेरी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड पार्टी और उससे आने नाल नेचुरली इट्स गोइंग टू बेनिफिट द कांग्रेस। देयर इज नो प्री कंडीशन। इन्होंने बीबी जी ने द होल पार्टी इज जॉइंट अनकंडीशनल। पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाली शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल दूसरी पार्टी है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब की अगुवाई वाले साझा मोर्चे का भी हिस्सा रह चुकी है और बरनाला परिवार से सिमर प्रताप सिंह बरनाला ने कांग्रेस की टिकट पर धूरी से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन उनको जीत नहीं मिली थी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।